अभी रिसेंटली मैं वीडियो डाला था जो कि 48 तक आया था, जो कि मैं 100 किलोमीटर ड्राइव किया था उसमें, जिसमें फ्यूल टैंक पे वो माइलेज टेस्ट हुआ था। उसके बाद हम ये चेंज करा रहे हैं, सारा सर्विसिंग करा रहे हैं जो भी इशू था इसमें। उसके बाद एक बार और टेस्ट होगा जिससे मालूम चलेगा कि एक्चुअली एयर फिल्टर और सिर्फ मोबिल के वजह से आपके स्कूटी में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, मतलब क्या इसमें डेवलपमेंट होता है, क्या इम्प्रूवमेंट होता है, माइलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं, नॉइज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं। 400-500 रुपये लगाकर अगर नॉइज़ और माइलेज गेन हो जाता है तो क्यों ना उसे चेंज करा देना। जैसे एयर फिल्टर मैं आपको दिखाई, ये देखो, उसे मैं चाहता तो फ्रेश भी करा सकता था, एयर प्रेशर के द्वारा उसे क्लीन करा सकता था, लेकिन मैं उसे न्यू लगा रहा हूँ और सारे होंडा का चीज़ है। और एक और चीज़ बाहर कराने का यह वजह है कि काफ़ी वहाँ पे क्राउड था, मैं गया था वहाँ, नंबर भीड़ लगाना पड़ता है। इसलिए आपके लोकेलिटी में अगर कोई है बंदा जो काफ़ी एक्सपर्ट है तो आप करा सकते हो, पैसा काफ़ी बच जाएगा क्योंकि वहाँ की कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, एक एक चीज़ का बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। और आफ्टर मार्केट आप सर्विस कराते हो किसी एक्सपर्ट आदमी से तो आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा, आप सामान वहाँ से ले सकते हो, होंडा का चेंजिंग यहाँ से करा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो। हेलो भाई, BH होगेनसन ने हेलो करा है, भाई कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो, अगर कोई आस्किन है आपके तो बोल सकते हो। देखिए कैसे चेंज होता है, ये हेडलाइट पूरा खोल दिया गया है, ये देख सकते हो इसके आगे का हेडलाइट, मैं दिखाता हूँ पीछे का क्या क्या इसमें पार्ट्स होता है, देख सकते हो पूरा खोल दिया गया है। ये यूट्यूब का मेरा लोगो देख सकते हो, ये लोग पूरा पार्ट खोल देते हैं भाई, ये भी एक्सपर्ट है। कोई भी एक्टिवा से रिलेटेड, आपको कोई भी बाइक एंड कार से रिलेटेड किसी भी चीज़ का रिव्यू चाहिए, माइलेज टेस्ट, सेकेंड हैंड कार लेनी है, बाइक लेनी है, कौन सी परफेक्ट रहेगी एक बजट प्राइस में, तो रिकमेंड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट DM कर सकते हो Ujjwal1235 पे, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, देख सकते हो। एक और होंडा का बाइक SP25 है सर, जो भी है होंडा का बाइक वहाँ पे सर्विस हो रहा है। अरे मैं अपने स्कूटी सर्विस करा रहा हूँ, इसके बाद भी एक माइलेज टेस्ट आएगा। हाँ, अगर आपको स्कूटी लेना है जो कि काफ़ी स्टेबल एंड ड्यूरेबल हो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा हो, तो आप एक्टिवा पे जा सकते हो क्योंकि एक्टिवा का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, प्राइस भी काफ़ी सही है। जुपिटर चाहे एक्टिवा पे जा सकते हो, ये सब अच्छा माइलेज निकालता है, मेरा तो एक्टिवा का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। सो गाइस, फाइनली इस लाइव को एंड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो एक्टिवा के बारे में, स्कूटी बाइक कार किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो।